भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से YouTube चैनल उदयवीर अहलावत पर। भाइयों आज तारपुर गांव में पहुंचे हैं भाई, राहुल राणा के खेत पर पहुंचे हैं भाइयों। और ये इन्होंने जो है 0238 गन्ना लगा रखा। ये देखो ये खेत खड़ा है इनका, इन्होंने कौन सी विधि से लगा रखा और इसमें क्या क्या डोज दे रखी, सारी कुछ जानकारी लेंगे भाई से। ये देखो कितना बढ़िया खड़ा, कितनी हाइट हो रही। ये देखो मैं दिखा देता हूँ आपको और पीछे हटते, ये इस तरीके से गन्ना खड़ा भाई। आओ जी जानकारी लेते हैं भाई से। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, अपना परिचय दो थोड़ा। मैं राहुल राणा जी, गांव तारपुर जी, डिस्ट्रिक्ट शामली से हूँ जी। बहुत बढ़िया जी, ये कौन सी वेराइटी है जी? ये वही है जी 38। अच्छा 38 है। हाँ, और ये मुड्डा है कि बौड़ा खेत है? ये मुड्डा है जी। अच्छा मुड्डा है। हाँ जी। अच्छा इसकी बुआई कितने इंच पे है जी? बुआई तो सी 3 फुट पे है जी। अच्छा 36 इंच पे। अच्छा 36 इंच पे बुआई इसकी। हाँ जी। तो इसकी जुताई वगैरह का क्या साधन है जुताई का साधन इसका हमने एक जुगाड़ बना रखा है जी, जी? वो 8 खुरपों का टीलर है, अच्छा उसका बीच में तो एक का फड़ा खोलते हैं अच्छा जिससे मतलब ये बच जा, जो खोड़ पावे इस पे, जिस लाइन पावे इस लाइन पे उसका वो फाड़ा खुल रहा है, दो फाड़े उसमें थे, वे तीन तीन रह जाए। और वह बहुत बड़ी जुताई करी थी उसने। अच्छा इस तरीके से करो, इस तरीके से। अच्छा वैसे ट्रंच का वो नहीं ले रहे साधन कुछ? ना ना, ट्रंच का साधन बस अपने बना रखा है। अच्छा अपने तरीके से बना रखा। हाँ जी। अच्छा तो भाई इसमें क्या लागत दे रखी है भाई? लागत तो इसमें देसी खाद है जी। अच्छा नहीं अब का तो नहीं गिरा होगा वो, नहीं तो पहले शुरुआत में गिरा था, बुआई पे गिरा होगा, बुआई पे जब बोर्ड बोया था जी। अच्छा हाँ जी। नहीं अब का क्या लागत दे रखी? अब का इसमें मैंने 2 बार जीवामृत चला जी। अच्छा 2 बार जीवामृत चला। हाँ जी। अच्छा वो सब प्रयोग करो आप? उसका प्रयोग करा जी, और कैल्शियम गिरा, अच्छा, और यू एक हार्बो केयर आवे है, अच्छा जी, IPL की है दिखे वा जी, पता नहीं वो पन्नी पड़ी कोठे में पड़ी खेत में, दिखा दूँ मैं। हार्बो केयर आवे है, उसका बहुत बड़े रिजल्ट है जी, जो हरा भरा घोड़ा है ना ये उसी की वजह से है ये। अगर मार्च तक भी खड़ा रहा ना मुंडा तब भी ऐसे ही रंग रहेगा इसका, अच्छा वो हरा रखे है। हरा रखा है जी। अच्छा हाँ जी। तो वो हर्बो केयर कितने का आ जा भाई? 500 रुपये की आवे जी कितने एक कितने? थैली। अच्छा कितने बीघे में पड़े हो? 5 बीघे में पड़े जी। अच्छा 5 बीघे में पड़ हाँ, जाओ पांच फिर। बीघे पैकिंग आवे, अच्छा वो ही काम करता है। वो ही काम करता है जी। अच्छा और दो कीट? बार दो बार लगाऊं मैं से। हाँ दो बार लगा दो। जी। अच्छा कीटनाशक में क्या डाल रहा है भाई? कीटनाशक ही है जी वहाँ। अच्छा कीटनाशक भी है? हाँ, वह जैविक में है, अच्छा उसका एक कारण है वह हमारे केंचुए को नहीं मारती जो इसमें केंचुआ है। अच्छा हाँ जी, जैविक है वह। अच्छा वो जैविक है। हाँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट है जी, घना बढ़िया। अच्छा तो और ये अपना जीवामृत भी चला जीवामृत भी चला जी। तो ये जी, जीवामृत जो है केंचुए को ऊपर लेवेगा, जी इसकी देसी गाय के गोबर से बना है ना, जी गुड़ बेसन गोबर से, जी तो इसकी सुगंध में केंचुआ नीचे से ऊपर आओगा, इसकी ओर आकर्षित होगा गोबर की, जी जी गाय के गोबर की, क्योंकि जी तो इसमें बैक्टीरिया ज्यादा हो ना, हाँ और कुछ बैक्टीरिया कुछ केंचुए को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जी और जो हम कीटनाशक वैसे तो गिर रहे हैं कुछ, ये और जो फ्लोरान फ्लोरान वगैरह ये गिर रहे हैं लोग बाग जैसे, वो तो गिर रहे हैं, फिर वो हमारे से मारता का जी केंचुए को। जी अच्छा, ये हमारे केंचुए को नहीं मारता। अच्छा हाँ जी। तो इन्हें और सुरक्षित करने का काम करे और सुरक्षित करने का काम करे हैं। तो इसका तो भाई लाभ बहुत मिला तुझे तो जी। हाँ देखो, जहाँ मुड्डा है गन्ना देख लो, क्या जबरदस्त खड़ा, देखियो थोड़ा सामना भारी हो रहा है जी हमें तो। हाँ जी। देखियो देखो, गन्ना भी मोटा मोटा भी काफी हो रहा है जी, देखियो गन्ने मोटे मोटे हो रहे जी। हाँ गन्ने की मोटाई तो बढ़िया भाई। ट्रंच पे तो मोटा ही हुआ जी गन्ना, देखो सारा खेत ऐसे खड़ा जी बेहतरीन हो रहा है। देखियो ये एवरेज रहना चाहिए इसका 100 क्विंटल का, बिल्कुल रहेगा भाई इस कंडीशन में जो खड़ा है। देखो इधर देख लो, कोई यू नहीं है भाई, कोई थोड़ा मोटा खड़ा है, गिर गया भी आएगा हमारे पे है जी, गिर गया भी आएगा, बंदा इसी नहीं इसकी। हाँ ये खुल रहा है ना ऊपर से। हाँ ये देखो, ये हाइट दिखा दो आप इसके ऊपर लो, और गोला भी अब तक मान लिया हरा भरा ही है जिसका, देखो नहीं गोला सारा साफ है भाई, और साफ ही खड़ा रहे जी। मार्च अप्रैल तक साफ रहेगा, ये है जी दूरी इसकी सिद्धांत। अच्छा हाँ, मैं ज्यादातर ट्रंच पे बोलूँ जी। अच्छा ट्रंच पे भी मतलब वैसे आपने कमी रख रखा है जी। मगर 36 पे कमी रख रखा है ट्रंच भी, आपका ट्रैक्टर नहीं है ना? हाँ, हाँ 36 पे। हाँ जी, जी, क्योंकि ट्रैक्टर वाले तो ज्यादा रख रहे हैं। ट्रैक्टर वाले तो 5-6 फुट का रखे हैं, तो हाँ 5-6 फुट का रखना सोच पड़े। रहा हूँ अभी लेना छोटा सा, वो मिनी ट्रैक्टर साहब है जो। चलो खैर,
वो भी ले लियो जब इसमें विश्वास बन रहा है ट्रंच में। हाँ, ट्रंच में ही फायदा है जी किसान को अगर गन्ना लगावे तो जी। हाँ जी, तो भाई जैसा मान लिया 38 के तो खेत खराब हो रहे बहुत ज्यादा जी, और आपने बचा लिया जी, इसमें स्प्रे वगैरह कितनी करी? स्प्रे तो करी 2-3 इसमें। अच्छा, 3 ही स्प्रे? अरे भाई इसमें तो 10-10, 12-12 भी कर ली लोगों ने। नहीं नहीं, स्प्रे का टाइम हो देखो। मान लिया कुछ किसान ऐसे हैं जी जैसे खेत में वो आया गया रोग, वो जब दवाई लेने भगेगा फिर स्प्रे मारेगा जी। अच्छा, और जो उसे पहले आने से पहले देख ले, जब भी कीट का प्रकोप आवे वो तो भाई पता ही रहे किस टाइम आवे। बिल्कुल, तो उससे पहले ही हम स्प्रे मार दे इसमें जी। जी जी, जैसे मान लिया एक स्प्रे आज मार दी, एक हमने महीने के बाद मार दी, एक फिर महीने के बाद मार दी, एक फिर महीने के बाद मार दी, तो वो रोटेशन बन जा। मारनी तो हमें है ही है, लेकिन कुछ किसान भाई जो गलती करे है ना, वैसी गलती ना करे, हर महीने पे अंतराल पे स्प्रे मारनी जरूरी है बढ़िया दवाई की। नहीं, स्प्रे तो चलो आपने तो महीने पे मार ली। हाँ जी, किसान तो ये कह रहे हैं कि भाई 15 दिन में भी मार मार के नहीं हटा। अजी हटा तो नहीं, मैं बताऊँ कुछ किसानों की ऐसी बात है, ये जो लोकल में दुकान खुल्लो बैठे जी, छोटे मोटे यहाँ से बिल तो देते नहीं उन्हें काट के जी। और मेरा यू रूल है जी, मैं जहाँ से भी जिस दुकान से दवा लाऊं ओरिजिनल बिल पे दवा लाऊं, मगर भाई चाहे दवा महंगी हो या सस्ती हो, तो जो जीएसटी पीएसटी लगेगा वो हमारे पे लगेगा, तू बिल काट के दे इस दवाई का जो उनसे दे रहा जी। हाँ जी। अच्छा, तो आप ओरिजिनल का इस्तेमाल करो, ओरिजिनल दवाई का इस्तेमाल करो, मैं बिना बिल के दवा लेता नहीं किसी दुकानदार से भी। हाँ, ये भी कारण बहुत सारा हो सके भाई, दवाई कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, रिजल्ट नहीं आ रहे। अजी रिजल्ट देने में बैठा, अगर मैं यहाँ लोकल से दवा लूँ तो ये बिल नहीं दे पाते जी। हाँ जी, तो फिर जैसा मान ले बीज है भाई, इसे देखो तो फिर अगर बोओगे कि फिर वो कत्ती जी? नहीं, 38 भी है जी, बराबर चलेगा तुम लोग। अच्छा हाँ, लेकिन उससे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा देंगे, कत्ती 0-2 0-2 उसका भी हिसाब अच्छा है। हाँ नहीं, रिजल्ट बढ़िया है उसका। देखो आपके पीछे कितना बेहतरीन गन्ना, यू कहाँ छोड़ जाए जी हमारे पे। हाँ नहीं, इसे देखो तो भाई नहीं छोड़ जाता। हाँ जी, नहीं जैसा भाई हमारे गाँव में भी जैसा अब अगस्त तक, अगस्त के शुरू तक ठीक चला जी, और उसके बाद में इतना बड़ा बड़ा हो गया जी, और बस ऊपर लग गया कीड़ा, रुका ही नहीं फिर। देखो अगर आप एक बात बताओ, अगर हमारा पेट सही है जी तो हम कुछ भी खा लो सही हजम हो जाएगा जी जी। और जब हमारा पेट ही सही नहीं है, हमारा लीवर सही नहीं है, तो हम कुछ भी खा लो सारा नीचे भी कर जाएगा जी जी, या लग जाएगा सेहत में। बिल्कुल, तो पहले अपनी धरती को सुधारे, धरती माता है जी, धरती माता है, इससे तो जितना प्रेम करेंगे उतना ही हमें देगी। जब हमारी धरती सही होगी, धरती का कार्बन सही होगा, जैविक कार्बन बढ़ाओ धरती में, हम कभी भी फसल हमसे जलाते नहीं। अच्छा, इसी में मिला चिला के इसी में गिर दें दोबारा। जी जी। हाँ जी, बिल्कुल। जब हमारी धरती सही है तो पेट सही है, तो इसमें जो कुछ देंगे इसमें उसी की ताकत बनेगी। हाँ, सबसे पहला मिट्टी का और इसका संशोधन जरूरी है। जरूरी है जी, अपनी धरती माता को बचाओ, इसे जहर ना पिलाओ ज्यादा। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं अड़ोस पड़ोस में, करो जहाँ जहाँ 1 किलो गिर रही है वहाँ 4 किलो गिर रहे हैं, तो फायदा क्या है इससे? जब पेट सही नहीं है हमारा, मैंने मेरा पेट खराब हो रहा, चाहे मैं घी पी लोगों घी वो कोई लग जाएगा थोड़े ही। अजी हमारा पेट सही रहेगा जब तो पचेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही धरती माता की सही बात है जी। अगर धरती माता हमारी सही होगी, शुद्ध होगी, तो वातावरण भी शुद्ध होगा जी जी। हाँ जी, तो इसके अलावा फिर और कौन सा बीज लगा रहे हैं इस साल? इस साल तो वो है जो 31-02 है। अच्छा, 31-02। हाँ। अच्छा, जो नया बीज आ रहा 11-015 ये नहीं है मिला इधर? 11-015 में लगाऊंगा उसमें असोज में। अच्छा, मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा जी, वो रखा है मेरे साथी ने। अच्छा, तो मिल में तो अभी पास नहीं है, पर बो के तो देखो। नहीं, हमारे यहाँ तो पास है शायद। नहीं अभी नहीं है जी, इसमें ये पता नहीं, खैर ले भी सके पता नहीं इसका कुछ, शेर माऊ में उधर है बिजनौर में एक मिल, उसमें पास है। अच्छा, हाँ बो रहे किसान बहुत जी। तो भाई ये देखो जी, ये राहुल भाई के खेत की वीडियो दिखाई, इनका खेत दिखा दिया मैंने आपको, ये 36 इंची पे बो रखा है भाई ने, और ये कितना शानदार गन्ना खड़ा भाई हो, बहुत ही बढ़िया गन्ना खड़ा। ये थोड़ा सा खुल गया ऊपर से, इस पर संभल नहीं पाया भाई पे, और ये देख लो इस तरीके से खड़ा। तो भाइयों, ये राहुल भाई के खेत की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी। सब्सक्राइब और लाइक करना। नमस्कार।